नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें इसे आगे से आगे, ताकि अच्छा कॉन्टेंट सभी तक पहुँच सके। तो मित्रों, पिछली बार हम लोग शब्द विचार प्रकरण देख रहे थे। शब्द विचार में हमने रूप या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार देखे थे, अलग अलग विभाजन किया था हमने चार प्रकार से, रूप या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और एक दूसरा था मूल रूप के आधार पर जो तद्भव तत्सम वाला होता है वो। इस तरीके से हमने उनके चार अलग अलग विभाजन किए थे। तो चार में से हम पिछली कक्षा में दो देख चुके हैं, दूसरा अपना चल रहा था। पहला अपने देखा था रूप या बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन प्रकार के शब्द होते हैं। तो हम शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखो, व्याकरण शुरू करने से पहले आपको वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि ये बेसिक दो जो टॉपिक है इनको अगर आप मजबूत कर लेते हैं, तो निश्चय ही आपकी जो आगामी आप व्याकरण के जितने भी प्रकरण पढ़ेंगे उनमें आपकी समझ बहुत जल्दी विकसित होगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो अपन प्रयोग के आधार पर देख रहे थे शब्दों के प्रकार। अपन ने वैसे दो प्रकार किए थे, एक था विकारी और एक था अविकारी। तो यहाँ विकारी और यहाँ ले लेते अपन अविकारी। तो विकारी अपन देख चुके हैं, ये जो विकारी के जो प्रकार थे, जो शब्द होते हैं विकारी, कौन कौन से शब्द होते हैं। नंबर एक संज्ञा शब्द, नंबर दो सर्वनाम शब्द, नंबर तीन विशेषण शब्द और नंबर चार थी क्रिया। ये चार प्रकार हम पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। संज्ञा के जो शब्द होते हैं, सर्वनाम वाले जो शब्द होते हैं और विशेषण वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया वाले जो भी शब्द होते हैं, ये कैसे होते हैं विकारी। देखो, हमने प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, इसे अव्ययभी कहते हैं, अव्ययभी कहते हैं इसको। अव्यय, देखो विकारी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, विकारी शब्द भी होते हैं जो लिंग, वचन या कारक का इन पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वाक्य में लिंग बदल रहा है, कारक बदल रहा है, वचन बदल रहा है, तो ये शब्द भी बदल जाते हैं, ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं, कुछ दूसरा रूप इनका आ जाता है, शब्द चेंज हो जाता है, बदल हो जाता है। यानी कुल मिला के जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है वो जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकार का मतलब होता है बदलाव होने या बदल जाना। तो जो बदल जाते हैं वो विकारी और अविकारी, यानी ये बदलते नहीं है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें, अव्यय इसको अगर आप तोड़ेंगे तो अ प्लस व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होना। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जो खर्च नहीं होते। खर्च नहीं होने का मतलब है कि चाहे आप उसको, मतलब लिंग परिवर्तन हो जाए, चाहे वचन परिवर्तन हो जाए, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, ये शब्द कभी भी अपना रूप बदलेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो, मैं जैसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इज्जत वाले शब्द है, श्रम वाले शब्द है, ये बिल्कुल बेशरम शब्द है। बेशरम शब्द से आपको याद रह जाए, बाकी आपको ऐसा कुछ भी लिखना नहीं। बेशरम का मतलब, बेशरम व्यक्ति कौन होता है, जिसको आप जिसमें कितना भी बदलाव करो, कुछ भी कोशिश करो, उसके ऊपर चिकने घड़े की तरह होता है, पानी नहीं ठहरता, उसी तरीके से उस पर कोई बात ठहरती नहीं है। तो ये जो अविकारी शब्द होते हैं, इसे आप बेशरम शब्द इस तरीके से याद कर सकते हो, ये कभी भी अपना रूप प्रारूप बदलते नहीं है। और अव्यय का मतलब ये खर्च नहीं होते, यानी अपना बदलाव किसी प्रकार का खुद में कोई बदलाव नहीं करते। तो आज अपन देखेंगे जो अविकारी शब्द होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार है। इसके चार प्रकार है, अपन देख चुके हैं, इसके भी कितने प्रकार है, चार प्रकार, उनको अपन देखेंगे। नंबर एक पे है क्रिया विशेषण, नंबर एक पे है क्रिया विशेषण, नंबर दो पे है समुच्चय बोधक, नंबर तीन पे है संबंध बोधक। ये अविकारी शब्द है। और नंबर चार पे है आपके विस्मया भी बोधक। देखो, मैं आपको सरसरी नज़र से आपको बताने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलूँगा।
क्रिया विशेषण के बारे में परिभाषा बताने की आपको वैसे आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो सुन ले। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रियाएं के बारे में आप जानते हो, उठना, बैठना, आना जाना, करना, उछलना, कूदना, गाना, खाना पीना, ये सारी क्या होती है? क्रिया। यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या कहलाती है? क्रियाएं। कार्य करने का जो ढंग होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। तो उन क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो इनके बारे में ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं? अच्छा, ये जो शब्द है ये कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे वाक्य आप एक वचन में लिख दो, चेंज करके उसको बहुवचन बना लो। स्त्रीलिंग में आपने वाक्य आपका जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है, आप उसको कर्ता को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल लें तो भी ये शब्द अपना रूप कहीं भी बदलेंगे नहीं। जैसे क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? यहां, जहां, धीमा, तेज, इनको हम बाद में ले लेंगे, फिलहाल छोड़ देते हैं। क्रिया विशेषण को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, आप अगर लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर उसको मिटाने जा रहा हूं। अगर आप लिखना चाहे तो इसको लिख ले, थोड़ा अपन क्रिया विशेषण को डिटेल में देख लेते हैं। बाहर, भीतर, इस तरीके से ये कुछ क्रिया विशेषण होते हैं, और भी होते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण, ये जो शब्द है, कहने का मतलब ये है कि ये अपना रूप बदलेंगे नहीं, चाहे आप ये जो यहाँ शब्द है, जहाँ शब्द है, धीमा है, तेज, आप जैसे धीमा और तेज शब्द है ना, तो तेज का मतलब क्या, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे आप किसी गाड़ी के बारे में बात करो, कोई भी उदाहरण ले लो कि कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, तो यहां दौड़ना क्रिया है, क्या है? दौड़ना क्रिया है। और तेज रफ्तार या तेज जो शब्द है वो क्या है? क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। ये जो तेज शब्द है इसको आप कहीं भी ले लो, कार के संबंध में ले लो, आप कार मान लो, कार को अगर यदि आप स्त्रीलिंग मानते हो तो आप ट्रक ले लो, ट्रक को आप पुल्लिंग कह सकते हो, तो आप ट्रक ले लो तो भी उसमें ये ऐसा नहीं है कि वो फिर तेजा हो जाएगा या तेजू या ऐसा वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तेज है तो तेज ही रहेगा। ये यहाँ शब्द है, जहाँ शब्द है, बाहर भीतर है, बाहर शब्द है, बाहर का कोई उदाहरण ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया रमेश बाहर जाओ, ऑर्डर दे दिया आपने किसी को कि रमेश बाहर जाओ, तो यहाँ बाहर जाने का मतलब ये बाहर क्या है? जाने की विशेषता बता रहा है, जाने की क्या बता रहा है? विशेषता। जैसे आप यहाँ अंदर लिख देते तो अंदर भी क्या हो जाता? क्रिया विशेषण हो जाता, वो विशेषता बताता। तो ये जो बाहर शब्द है ये कभी भी अपना रूप बदलता नहीं। आपने रमेश लिख दिया, अब जाए यहाँ इसकी जगह आप सीता लिख दो, सीता बाहर जाओ। अब आपने दो वाक्य लिख दिए, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ये खत्म हो गया है। हाँ, तो सीता बाहर जाओ, अब आपने यहाँ सीता ले लिया, आपने रमेश ले लिया, आपने लिंग परिवर्तन कर लिया, ये पुल्लिंग था और आपने इसको क्या कर लिया? स्त्रीलिंग कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर का बाहर ही रहेगा। एक वाक्य और ले लो, जैसे यहाँ ले लेते हैं अपन, तुम दोनों, अब आपने वचन चेंज कर लिया, वो एक वचन वाक्य था, आपने बहुवचन कर लिया, बाहर जाओ। उदाहरण लिख देता हूँ, ठीक है, तो तुम दोनों, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ। तो ये जो बाहर शब्द है इसको आप देख रहे हो ना, ये क्रिया की विशेषता बताने वाला है, तो ये बदलता नहीं है, चाहे आपने वाक्य को स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कितना भी चेंज कर लिया, एक वचन बहुवचन में कर लिया, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। तो ये समझने वाली बात थी, बाकी वाले शब्द इनका भी जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये भी बदलेगा नहीं। बाहर लिख दो आप, भीतर लिख दो, भीतर शब्द ले लो। अब ये वाक्य आप ऐसे बना सकते हो, रमेश भीतर आओ, सीता भीतर आओ, तुम दोनों भीतर आओ, तो इनके भीतर शब्द में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। चलो, तो ये थी आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद में हमने देखा था, बेटा देता हूं मैं इसको, आप लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, रोक के ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा समय खराब आपका भी नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, इसलिए इसको बिटा रहा हूं। अब दो नंबर जो अपना था अविकारी अवयव, वो है आपके अपन संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। तो ये जो संबंध बोधक है इसमें, और ये जो आपने अभी क्रिया विशेषण पढ़ा इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जब क्रिया विशेषण के कुछ शब्द है उनके साथ जब कारक जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? वो संबंध बोधक। जैसे के भीतर, के बाहर, के अंदर, या से बाहर, ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं, यहां से, के सामने,
वहां से, है ना। ये सब क्या है, संबंध बोधक है। संबंध बोधक का मतलब है ये वाक्यों का क्या बताते हैं, एक वाक्य के अंदर ये संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे कोई भी आप उदाहरण के तौर पर किसी भी वाक्य को ले सकते हो, जैसे आपने ये चेंज कर, आप अगर उदाहरण लेना चाहें तो अपने पिछले वाले जो उदाहरण लिए थे उसी तरीके से अपन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से बाहर का उदाहरण लेते हैं, तो आप जैसे मान लो किसी को कहो कि तुम कमरे से बाहर जाओ, तुम कमरे से बाहर जाओ, तो यहाँ से बाहर है, ये क्या है, ये संबंध बोधक है। क्या है, संबंध बोधक है। अब आप इसकी जगह चाहे पहले कुछ भी ले लो, तुम सब कर दो, तुम सब कमरे से बाहर जाओ, ठीक है, तुम सब कमरे से बाहर जाओ। तो यहां कहने का मतलब यह है कि आपने पहले एक वचन में ले लिया, फिर आपने बहुवचन में ले लिया, अब चाहे आप स्त्रीलिंग में ले लो, चाहे पुल्लिंग में ले लो, अब आप चाहे महेश के लिए शब्द का प्रयोग करो, चाहे आप मीनाक्षी के लिए शब्द का प्रयोग करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनमें से जो भी आप कुछ शब्द है उनका अगर आप प्रयोग करेंगे संबंध बोधक में, तो ये जो संबंध बोधक होते हैं ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब कभी खर्च नहीं होते हैं, अपना रूप कभी बदलते नहीं है। आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आपको केवल इतना ही देखना है, संबंध बोधक के बारे में या अविकारी के बारे में आपको अगर पता लगाना है तो आपको केवल इतना ही देखना है कि उस शब्द को आप दो तीन और जो वाक्य है उनके साथ प्रयोग करके देखो, आप उसका लिंग परिवर्तन करके देखो, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करो, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करो, एक वचन है तो बहुवचन करो। जब आप उसको बदलोगे, बदलने पर आप देखोगे कि वो शब्द अपना रूप बदल नहीं रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, अविकारी। यदि रूप बदल देता है इसका मतलब वो कैसा शब्द है, विकारी है। तो विकारी में से ये चार प्रकार है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी वाक्य आपको दे दिया, ये वाक्य दे दिया या नीचे अंडरलाइन दे दी, तुम कमरे से बाहर जाओ, और ये वाक्य दे दिया, तो आपसे इसमें सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि इस वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द का कौन सा प्रकार है। तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है अविकारी तो ठीक है, मान लो अविकारी विकारी दिया ही नहीं, सीधा आपको दे दिया सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, और यहाँ दे दिया संबंध बोधक शब्द है या फिर संज्ञा शब्द है, तो आपको अगर जानकारी होगी वास्तव में ये जो से बाहर है इसका मतलब ये कारक इसके साथ में जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, संबंध बोधक है। तो ये इस तरीके से ये होता है आपके संबंध बोधक। संबंध बोधक के बाद में आगे अपन देखते हैं, बिठा रहा हूँ मैं इसको, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, लिखना चाहे तो लिख ले। अगला अपन तीन नंबर ले लेते हैं, थोड़ा इसको बिठा देते हैं, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है। ये अपन वैसे देख चुके हैं, मैंने केवल आपको याद करवाने के लिए, रिमेम्बर करवाने के लिए बताया था। तीसरा जो अपना प्रकार है प्रयोग के आधार पर, अविकारी है ना, आगे आप भूल नहीं जाएं, ठीक है। तीन नंबर पे कौन सा है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। परिभाषा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ा। समुच्चय का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कहने का मतलब जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। शायद इंग्लिश में इसे कंजक्शन कहते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ऐसे कौन कौन से वाक्य होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा ही होगा तथा और क्योंकि इसलिए, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यदि ऐसे ये जो शब्द है तो ये क्या है, अविकारी। अविकारी का मतलब समुच्चय बोधक जो शब्द है ये अपना रूप कहीं भी बदलते हैं नहीं। अब ये तथा है, आपको इसने कहीं भी आपने इसको तथो तथा तथी ऐसे कहीं भी लिखा हुआ ये और है तो इसका भी रूप आपने कभी बदलते हुए देखा नहीं होगा। तो कहने वाला आप इसका कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे मान लो उदाहरण ले ले अपन, मैं तुम्हारे घर आऊंगा यदि तुम पार्टी दो तो, है ना, पार्टी चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और यदि तुम पार्टी दो तो ये आपने यहाँ मैं के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन का वाक्य है। तो यहाँ जो यदि शब्द है ये क्या है, ये आपका समुच्चय बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक है। तो इसको आप चाहे भले आप यहाँ मैं लिखो या ये लिख दो, हम सब तुम्हारे घर आएंगे यदि तुम हमें पार्टी दो तो, और या फिर आप ये लिख दो कि, अगर आप ये लिख दो कि मोहिनी तुम्हारे घर आएगी यदि तुम उसे पार्टी दो तो इस तरीके से आप इसको आप कितने रूप में बदलो ये लिख दो, चाहे भले हम सब
तुम्हारे घर आएंगे यदि तुम हमें पार्टी दो तो, है ना। तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। आप जब इसको वाक्य में बदल लिया, आप चाहे पहले स्त्रीलिंग में लिखो, पुल्लिंग में लिखो, किसी में बदलाव कर दो, लिंगवचन चेंज कर दो, तो भी ये जो यदि शब्द ये ऐसा कैसे रहेगा। ये वाक्य वाला शब्द तथा है, और है, क्योंकि है, इसलिए है, यदि है, और भी कुछ शब्द होते हैं, आप जब इस तरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आपके हो गए तीन प्रकार। चौथा और अंतिम है इसका, जिसके बारे में आप सब जानते हो, आराम से आपको समझ में आ जाता है, उसे समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होती है, सबसे सरल है वो। चौथा और अंतिम विस्म्यादि बोधक, विस्म्यादि बोधक शब्द परिभाषा की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है। विस्म्यादि का मतलब है जिन शब्दों को बोलने पर, जिन शब्दों के बोलने पर हमें विस्मय का बोध होता है। विस्मय का मतलब हम आश्चर्यचकित होते हैं, तब जब जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे सुख में हो रहे हो चाहे दुख में हो रहे हो, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो विस्मय के शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, विस्मय के शब्द। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से शब्द होते हैं, हे राम, अरे, आह, ओ, हे खुदा, है ना। तो इस तरह का जो ये शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विस्म्यादि बोधक कहलाते हैं। हाय, है ना, ये जो शब्द है ये क्या कहलाते हैं, विस्म्यादि बोधक शब्द कहलाते हैं। मतलब सबसे बड़ी पहचान इसकी सरल और सीधी सी है, ये विस्म्यादि बोधक चिन्ह है, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, ये सबके पीछे लगा हुआ है। जब भी वाक्य में ऐसा विस्म्यादि बोधक चिन्ह लगा हुआ हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि इसमें शब्द का कौन सा प्रकार है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि विस्म्यादि बोधक प्रकार है। हाँ, ये है कि उस शब्द के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, ऐसे अंडरलाइन दे रखी हो, इस तरीके से अंडरलाइन दे रखी हो और फिर आपसे पूछा हो, ठीक है ना। तो यदि आपको अंडरलाइन देकर के ऐसे पूछा जाए तो आप आंख बंद करके कर सकते हो जो विस्म्यादि बोधक शब्द है। अब इन शब्दों, ये जो शब्द है ये कभी भी बदलते नहीं है। आप चाहे एक वचन में इसका प्रयोग करो, चाहे आप बहुवचन में प्रयोग करो, चाहे आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हो, चाहे पुल्लिंग में करो, चाहे कारक चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। आपने देखा होगा ये वाक्य आपको जस के तस लिखे हुए मिलते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। उदाहरण की मुझे नहीं लगता इसमें आवश्यकता है, फिर भी आप उदाहरण अगर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं। एक बार हे राम, ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। मतलब जब विस्मय वाला शब्द होता है, जब कोई दुख में, मान लो किसी की मौत हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया वगैरह, जो भी होता, तो हमारे मुंह से आश्चर्य के साथ जो आवाज निकलती है तभी इस तरह का शब्द निकलता है, तो ये विस्म्यादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब आप इसको किसी भी प्रकार में बदलाव कर दे, या मान लो आप इसका लिंग बदल दे, वचन बदल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम सरसरी तौर पर इसको समझने का प्रयास करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, यानी लिंग बदल रहा है तो वो शब्द में, जो शब्द है उस शब्द में बदलाव होगा, है ना, और वचन बदल रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो माफी चाहता हूँ, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, क्लास बीच में ऑफ हो गई थी कोई कॉल वगैरह आने की वजह से। तो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने प्रयोग के आधार पर प्रकार अविकारी और विकारी दोनों पढ़ लिए थे। अभी अपन देखेंगे अगला जो अपने हैं वो शब्दों के प्रकार के हिसाब से अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार देखेंगे अपन। चार प्रकार है, सबसे जो पहला है वो है समानार्थक शब्द, जिसे आप लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। दूसरा है एकार्थक शब्द, तीसरा है अनेकार्थक शब्द, और चौथा और लास्ट विपरीतार्थक, जिसे आप लोग कहते हैं विलोम शब्द। तो ये अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर है, शब्दों के जो अर्थ होते हैं उसके अर्थ के आधार पर ये चार प्रकार है
समानार्थक शब्द जिसको आप लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अच्छे से परिचित है पर्यायवाची के बारे में। एकार्थक जो शब्द है, एकार्थक शब्द ऐसे शब्द है जिनका केवल एक ही अर्थ होता है और कोई दूसरा अर्थ उनका होता ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? एकार्थक। और अनेकार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, केवल एक अर्थ है तो वो एकार्थक शब्द है, एक ही शब्द है और उसका जब आप अर्थ निकालोगे तो एक ही अर्थ निकलेगा और कोई उसका दूसरा अर्थ नहीं है। अनेकार्थक का मतलब शब्द एक है लेकिन उसके प्रसंग के आधार पर उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वाक्य में जैसे आप जहां प्रयोग कर रहे हो उस हिसाब से उसका अर्थ निकलेगा। तो ये अनेकार्थक शब्द होते हैं। और विपरीतार्थक अविलोम शब्द, इसके बारे में आप सब जानते हैं, शब्द का जो उल्टा शब्द होता है, जो विपरीत शब्द होता है वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं समानार्थक, इसको देख लेते हैं समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उससे ज्यादा विशेष नहीं है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वर्गीकरण याद रहना चाहिए। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो सीधा यहीं से सवाल बनेगा, ये आप ये समझ लो कि अगर इस वर्गीकरण से आपसे सवाल पूछा जाता है तो सीधा पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर निम्न में से कौन सा प्रकार शब्दों का नहीं है। आपको तीन प्रकार दूसरे दे देंगे या तीन प्रकार इसके दे देंगे, एक प्रकार कोई दूसरा, जैसे अपन ने पिछली कक्षा में या पिछली बार पढ़ा है, बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो भी है वो दे सकते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द का कौन सा प्रकार निम्न में से एक है, तो एक इनमें से कोई भी दे देंगे, बाकी वाला दूसरा दे सकते हैं। तो सवाल आपके यहीं से बनेगा, केवल अपन समझने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इनके कुछ कुछ इनके उदाहरण देख लेते हैं। बाकी ये एक तरीके से शब्द कोश का एक हिस्सा है, आप जितना ज़्यादा इनको देखेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अपन इनके दो दो तीन तीन उदाहरण लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको केवल अंतर समझ में आ जाए कि एकार्थक शब्द कौन सा होता है, अनेकार्थक शब्द कौन सा होता है, विपरीतार्थक कौन सा होता है, समानार्थक शब्द कौन सा होता है। क्योंकि यदि आपको अंतर समझ में आ जाएगा तो आपसे अगर परिभाषा से संबंधित या एकार्थक की परिभाषा, अनेकार्थक की परिभाषा या विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा, कुछ लाइनें कभी कभी आपको व्याख्या के रूप में ऑप्शन में दे रखी होती है, तब अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आप उसको आसानी से सही कर सकते हैं। तो समानार्थक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं, अग्नि है ना, इसे आप लोग क्या कहते हैं? अपन आग, अनल, वैश्वानर है ना, पावक, ये किसके उदाहरण है? अग्नि के। किसके उदाहरण है? अग्नि के। तो ये अग्नि के उदाहरण है, और उदाहरण लेना चाहें आप पवन, पवन को हम क्या कहते हैं? हवा, वायु, समीर, यानी ये इसके समानार्थक शब्द है, बिल्कुल समानार्थ है। इस शब्द की जगह आप वाक्य में अगर इसका प्रयोग करते हो तो कोई समस्या नहीं, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, आगे वाले को अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस शब्द की जगह इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग वाक्य में कहीं भी करते हैं, शब्द के अर्थ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पवन है, उसके अलावा सूर्य, चलो सूरज, दिनकर, दिवाकर है ना, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अगला अपन देखते हैं एकार्थक, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि जगह थोड़ी कम है इसलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। और वैसे मैं यही कोशिश करूंगा, मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा तो लिखवाने वाला काम अपना कम ही रहेगा, केवल आपकी समझ विकसित करनी है मुझे, आपको समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ क्या होती है, इसलिए कॉपी और पेन की आवश्यकता कम ही पड़ेगी, आपको केवल समझना है। हाँ, तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। समानार्थक अपन ने देख लिया, उसके बाद में एकार्थक शब्द, दो नंबर एकार्थक शब्द है ना। एकार्थक शब्द परिभाषा की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, दिमाग में एक ही चीज रखनी है, एकार्थक शब्द कौन सा है? एकार्थक, यानी इसको अगर आप तोड़ेंगे एक प्लस अर्थक, यानी एकार्थक, यानी एक अर्थ, कितना अर्थ है? केवल एक अर्थ है, केवल और केवल जिस शब्द का एक ही अर्थ होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थक। परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप लिखना चाहें तो इतना इसमें जरूर लिख लें, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एकार्थक शब्द होती
है, ये जरूर लिख लें। परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है एकार्थक शब्द के बारे में। जैसे मान लो ये चारों प्रकार मैंने अर्थ के आधार पर बताए हैं, तो आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, उसमें से आपको लिख के दे देंगे। समानार्थक शब्द, परिभाषा के हिसाब से लिख दिया, ऐसे शब्द जो जिन दूसरे जो शब्द होते हैं उसके समान अर्थ वाले शब्द होते हैं वो समानार्थक। एकार्थक का दे दिया, अनेकार्थक का दे दिया, चार परिभाषा दे दी। अब आपने अगर ये अगर मान लो एकार्थक की जगह उसने ये दे दिया, एकार्थक लिखा ही नहीं, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा एकार्थक शब्द होती है, आप बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा एकार्थक कैसे हो सकती है, तो फिर आप उसको गलत कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा लिख लें, आप उसको जरूर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अब एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी जगह का नाम, किसी भी जगह का नाम, जगह का नाम, या मान लो देश का नाम कर दो बोले आप, जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, है ना, रूस, तो ये क्या है? ये देशों के नाम है। किसके नाम है? देशों के नाम है। तो ये अपने आप में क्या एकार्थक है इनका? अगर आप, हाँ आपने सुना रूस, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, हाँ रूस एक देश है। रूस क्या है? और कोई दूसरी चीज आपके दिमाग में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये क्या होती है? ये एकार्थक होती है। जैसे मान लो जगह का नाम है, किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम है जो अपने आप में प्रसिद्ध हो, ताजमहल, क्या है? ताजमहल। और उसके अलावा और भी कोई प्रसिद्ध स्थान हो जो बहुत ही फेमस हो, ऐसा नहीं कोई हल्का स्थान हो उसके नाम के जैसे 5-10 नाम और भी, वो नहीं, केवल अपनी जगह के लिए, अपने नाम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। लाल किला, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो जगह के नाम होते हैं वो भी क्या होती है? सारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए ये सारी की सारी चीजें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदियां, गंगा, यमुना, चंबल, है ना, और भी जो प्रसिद्ध, जैसे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो नील, है ना, जो प्रसिद्ध नदियां हैं जो अपने आप में यूनिक है। तो ऐसे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो उनका सबका एक ही अर्थ होता है और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? एकार्थक शब्द। वो क्या कहलाते हैं? एकार्थक शब्द। आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रोक करके, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला अपन देखेंगे तीन नंबर देखेंगे अपन अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द। तो मैं आपको बता चुका हूं अनेकार्थक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ प्रसंग के हिसाब से अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रसंग के हिसाब से अलग अलग अर्थ होते हैं। उसके उदाहरण ही देखेंगे अपन सीधे, परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक शब्द होता है सारंग, ये जो सारंग शब्द है इसके कई सारे मतलब इसके मिलते जुलते शब्द है, प्रसंग के हिसाब से अलग अलग प्रयोग होता है लेकिन इसके अर्थ अनेक होते हैं। समान अर्थ नहीं है, सब अर्थ अलग अलग होंगे, ऐसा भी नहीं कि समान होंगे। समान अर्थ है तो इसका मतलब वो समान अर्थ है, प्रायः इसके अर्थ अलग अलग है। जैसे हिरण, मोर, शेर, बंदर आदि, है ना। तो ये इस तरीके से ये क्या है? अब ये सब तो एक ही सारंग है, हिरण अलग चीज है, मोर अलग है, शेर अलग है, बंदर अलग है, लेकिन ये जो शब्द है ये अगर कहीं प्रयोग होता है तो फिर प्रसंग के हिसाब से आपको प्रसंग से पता लगाना पड़ेगा वाक्य में क्या कहा जा रहा है। वाक्य में, अब जैसे मान लो किसी वाक्य में लिख दिया कि सारंग घास खा रहा है, सारंग क्या खा रहा है? जंगल में घास चल रहा है। तो आप सोचोगे यार सारंग का मतलब तो शेर होता है, शेर जंगल में घास कैसे चलेगा? शेर कभी थोड़ी घास खाता है, शेर तो मांस या शिकार करता है। तो फिर ये है कि ये जो शब्द है इसका अलग अलग अर्थ, जैसे मान लो यहाँ इसने सारंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया, अब आपको प्रसंग से पता चलेगा, प्रसंग का मतलब जो वाक्य में कहा जा रहा है, तो यहाँ आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या हो सकता है, वो हिरण हो सकता है। क्या हो सकता है? हिरण हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मान लो हार। अब जो हार शब्द है, हार के वैसे प्रसंग के हिसाब से अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो हार का मतलब होता है पराजय, क्या होता है? पराजय। एक होता है फूलों की माला जो देवता को चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, या और कोई अतिथि वगैरह सम्मान के लिए, और एक आभूषण जो हमारी देवियां मातृशक्ति है जो पहनती है सुंदर बनने के लिए, सजने संवरने के लिए, वो क्या होता है? आभूषण। तो ये आप अगर देखेंगे तो शब्द तो हार ही है, अब आप इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा कि इस हार शब्द का अर्थ क्या। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक कहलाते हैं। जैसे एक और अपन ले लेते हैं गुरु। गुरु का मतलब एक तो आपको पता ही है गुरुदेव, शिक्षक,
एक लघु और गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। उसके अलावा इसका एक और अर्थ होता है भारी, ये होता है महत्वपूर्ण। कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट होती है उसको क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। तो इस तरीके से इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ पर्सन के हिसाब से अलग अलग है। तो ऐसे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक। तो इस तरीके से अपन ने ये तीन प्रकार देखे, और चौथा और अंतिम जो सबसे सरल है, बिठा रहा हूं मैं इसको, सबसे सरल है और वो है आपके चार नंबर, जिसे आप लोग कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। अब आपको पता चलेगा कि विलोम शब्द किस तरीके से बांटा गया, वर्गीकरण कैसे किया गया। इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक। विपरीत अर्थ का मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला। तो इसके अपन उदाहरण ही देखेंगे परिभाषा की, मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। उदाहरण आप सब जानते हैं, अच्छा, बुरा, आना, जाना, राजा, रानी, ये इसकी क्या अपोजिट है? विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो ये विलोम शब्द वैसे बहुत सारे हैं, आप सब लोग विलोम शब्द के बारे में जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। जैसे उदय, अस्त, है ना, इस तरीके से बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं। जितने शब्द होते हैं हर शब्द का अपना अलग अलग विलोम शब्द होता है। मैंने केवल आपको उदाहरण देकर समझाया था कि आपको समझ में आ जाए। तो ये अपन ने तीन वर्गीकरण अपन देख चुके हैं शब्द विचार के हिसाब से, अर्थ के आधार पर अपन ने देख लिया, आज प्रयोग के आधार पर कुछ बचा हुआ था वो भी अपन ने आज देख लिया, और सबसे पहला अपन ने बनावट के आधार पर देखा था वो अपन देख चुके हैं। अब आपके केवल अंतिम वर्गीकरण बच्चा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने उसको लास्ट में छोड़ रखा, हालांकि उसको शुरुआत में लिया जाता है, तो उसको अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी समय हो गया है। आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि जो चैनल है उसे आप आगे से आगे फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम लोगों को भी हौसला मिले। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं हो तब थोड़ा ठीक नहीं लगता। आप उसे देखें, आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। इसके आगे से आगे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।